नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। आज इस पवित्र दिवस पर पूरे सच कहूं परिवार की ओर से विप्रवाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार दिवस की समस्त सासंगत समस्त सृष्टि को लाख लाख बार बधाई हो। इस पावन दिवस का आगाज बेहद मानवतापूर्ण कार्य से स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज एक और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। डेरा सच्चा सौदा के कैंपस में आयोजित इस रक्तदान शिविर की शुरुआत विनती यानी अरदास का भजन बोलकर की गई, जिसमें आदरणीय शाही परिवार डेरा की मैनेजमेंट और साथ संगत के साथ साथ ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों व पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की जो टीमें ब्लड डोनेशन के लिए आई हुई हैं उन्होंने शिरकत की। आपको बता दें कि इस बार भी रक्तदान कैंप के लिए हजारों यूनिट का टारगेट रखा गया है। मैं मेरे साथी रविंद्र से बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से पूरी कैंप की तैयारियां हैं। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट पर यह पूरी जो है सारी कार्रवाई जो है समस्त जिस तरीके से कहें कि इंतजाम किए गए हैं उन पर भी पूरी नज़र रखी है। मेरे साथ रविंद्र हैं बातचीत करने के लिए। रविंद्र, जिस तरीके से कैंप की शुरुआत हुई, कौन कौन लोग यहाँ मैंने देखे पहुँचते हुए, जिसमें शाही परिवार के सदस्य थे उनके अलावा कौन कौन पहुँचा? इंतजाम की बात बहुत ही बढ़िया तरीके से इंतजाम कर रखे हैं। डोनर जो है ब्लड डोनेट करेंगे। जो आपने बात कही कौन कौन आया इस मुख्य प्रोग्राम में, जो परिवार है शाही परिवार जिसे बोला जाता है, तो वो सारा शाही परिवार विनती का अरदास शब्द का भजन बोलकर, तो एक कैंप की जो शुरुआत है नारा लगाकर, पवित्र नारा लगा विधिवत शुरुआत की गई है। उसके बाद जो डोनर्स आप देख ही रहे हैं कितने लाखों की तादाद में जो डोनर्स आए हुए हैं, वो डोनर ब्लड देने के लिए पूरे क्यूरियोसिटी है उनके अंदर भी, मेरा ब्लड देना, मैंने ब्लड डोनेट करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक जोश है 25 जनवरी को लेकर, वो डेरा अनुयायियों में बहुत ही बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। रविंद्र, जिस तरीके से हमने रात भी कवरेज किया, तो चूंकि 24 की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद जो लोगों का उत्साह था, लोगों का जोश था, आस्था के प्रति जो उनकी मोहब्बत है, डेरा सच्चा सौदा के प्रति जो लगाव है, वो अद्भुत देखने को मिला। आपने भी ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की, किस तरीके से आपने उन लोगों को काम करते हुए, नाचते गाते और विभिन्न सेवाएं करते हुए देखा? देखिए अनिल जी, आस्था का कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई उसके ऊपर ठंड प्रभाव डालती है, चाहे कोहरा हो चाहे ठंड हो, उनके ऊपर कोई आस्था का प्रभाव नहीं डाल सकती। आस्था की बात तो हमने रात जिस प्रकार आपने भी कवर किया, पूरा डेरे को अंदर से नाम चर्चा 11:30 पर शुरू हो गई थी और 12:00 जैसे ही 12:00 तो एक लोगों में जो डेरा अनुयायी उनमें एक जोश था, नारा लगाकर उन्होंने अरदास बोलकर अपनी जो शुरुआत इस दिन की शुरुआत की मानवता भलाई के कार्य करके शुरुआत की। जो लोगों का हजूम था एक ढोल की थाप पर जो लोग नाच रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो जोश है ये वो इन लोगों में कम होता नहीं दिखाई दे रहा। ये जोश आगे भी इनका मानवता के प्रति और भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे भी आज का दिन जैसे चढ़ाया, जैसे जैसे दिन बीतेगा तो लोगों का हजूम करोड़ों की संख्या में आना शुरू हो जाएगा। मानवता भलाई के कार्यों से आगाज हुआ है अवतार दिवस का। हमारे साथ रक्तदान शिविर आयोजन करता है चौहान जी। चौहान जी, जिस तरीके से हर बार आप एक कैंप लगाते हैं, आपकी जो टारगेट होता है उससे कहीं ज़्यादा रक्त जो है दान करने के लिए रक्तदाता पहुंचते हैं, आज का टारगेट क्या है, कितनी टीमें पहुंची? सबसे पहले तो आपको परमपिता सतनाम जी महाराज जी के जन्मदिन की बधाई हो। जहां तक टारगेट का सवाल है कि आप लोग देख ही रहे हैं मेरे बैक साइड में सेवादारों का, डोनर का कितना हजूम है, इसमें टारगेट कोई निश्चित नहीं किया जाता। जो हमारा टारगेट होता है हर बारी आगे हो जाता है। हमारा टारगेट वैसे 4,000 के लगभग का है, 3,000 की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि 4,000-5,000 टारगेट होगा, क्योंकि सेवादारों में इतना हौसला है। कोई बहुत दूर दराज से रात से ही यहाँ पर सेवादार इकट्ठे हो गए थे और सुबह 9:00 भाई जी मेरा ब्लड लो, मेरा लो। आप देख रहे हैं कि सेवादारों को, ऐसे सेवादारों को सलाम। और ये सब जो सारा सिस्टम है ये सब गुरु जी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी की, उनकी असीम कृपा से ये सारा काम हो रहा है। आदमी के किसी के बस का काम नहीं है, ये उनकी कृपा से ये सारा काम चल रहा है। तो चौहान जी, क्या टीमें, कितनी टीमें आई हैं टोटल? टीमें सर यहाँ पर 10 टीम पहुँच चुकी हैं और भी शायद एक दो आने। कहाँ से बेसिकली टीमें हैं? ये टीमें सर महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से,
ये 5-6 स्टेट से पूरे भारत से टीमें यहाँ पहुँच लगभग पूरे भारत से यहाँ लगभग टीमें आई हैं और वो वेट करते हैं कब हम डेरे में जाएं, क्योंकि डेरे में आने का सबसे बड़ा एक ये कि यहाँ हर सेवादार अपनी ड्यूटी समझता है, हर आदमी अपनी सेवा समझ के ये काम करता है ताकि किसी को दिक्कत नहीं होती। बड़े खुशी से लोग आते हैं और सभी जिस तरीके से चौहान जी कैंप में देखा जाता है, जो लोग वॉलंटियरली सेवा करते हैं, जो आते हैं अपने आप आते हैं, किस तरीके से बुलाए जाते हैं, क्या सिस्टम क्या रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंप होता है, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सेवादारों की वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। जी सर, सेवादारों को पहले से पता है, यहाँ बुलाया नहीं जाता, बुलाएंगे तो किस किस को, इतने को जी सबको पता है भाई ये 25 जनवरी को कैंप लगता है, 29 अप्रैल है, 15 अगस्त है, मस्ताना जी महाराज का भंडारा है, ये सारे भंडारे हैं। ये 25 जनवरी का तो मेन फंक्शन है सारा, परमपिता जी के जन्मदिन का भंडारा है, फिर गुरु जी का जन्मदिन है 15 अगस्त का, 29 अप्रैल को फाउंडेशन डे है, और नवंबर माह में लगभग डेट तो आगे पीछे होती है, मस्ताना जी महाराज का जो फाउंडर हैं इस डेरे के उनका जन्मदिन होता है, तो ये 6-7 भंडारे हैं, तो सबको पता है, सब अपने आप ही आ जाते हैं एकदम पहले, बुलाया नहीं जाता, बुला को तो 2-4 को समती हैं, 3-4 दिन पहले आ जाती हैं, 45 मेंबर 2-3 दिन पहले आ जाते हैं, सबको पता है अभी, सब आप अपनी ड्यूटी पे अपने आप आ जाते हैं। चौहान साहब, मेरी कई बार डॉक्टर साहब से बात होती है, जो ब्लड डोनेशन के लिए टीम्स आती हैं, उनके जो आप लगा लो कि चीफ होते हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत होती है, तो वो अक्सर एक बात का बड़ा जिक्र करते हैं कि यहाँ आके एक तो रक्तदान मिलता है, लेकिन जो असीम शांति उन्हें प्राप्त होती है और जो प्रेम देखकर वो यहाँ से जाते हैं, तो उनके घरों में भी, वो कहते हैं कि हमारे घरों में भी भाग लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे महसूस करते हैं? देखिए सर, ये है गुरु जी की कृपा, संतों के दरबार में ही शांति मिलती है, दुनियादारी में नहीं मिलती, इसीलिए आप सेवादारों को देख रहे हैं कि अपना ब्लड डोनेट करके नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ये खुशी मिलती है, खुशी मिलती है तभी यहाँ लोग इतनी दूर से चल के आते हैं, और जहाँ जहाँ ये टीम ब्लड डोनेट लेके आती हैं, ये जब से गुरुजी ने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, जिसको ये ब्लड चढ़ता है, क्योंकि सिमरन करके लंगर खाते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं गुरुजी की कृपा से, ये सारी चीज़ें जिसको ब्लड लगता है उसको क्यों नहीं शांति मिलेगी, उसको शांति नेचुरली मिलेगी। और दूसरी गुरुजी की कृपा, क्योंकि उनकी कृपा से, उनके हुक्म से, उनके वचन से ये काम चलता है, मुंह चला सकता है, आदमी तो कोई काम ही नहीं कर सकता, आदमी तो 4 आदमी नहीं संभाल सकता जी, और ये लाखों आदमी देखो आज कितना, आप उधर साइड में देखो अभी से भीड़ लगी, जबकि नाम चर्चा 12 बजे है, हमें तो ये हो रहा है अभी इसको कैंप को कैसे संभालेंगे लोगों को, हम तो ड्यूटियाँ लगा रहे हैं अभी ताकि थोड़े थोड़े लोग आए करके चले जाएँ, क्योंकि एकदम फिर सबको होता है अभी मैं आज ब्लड डोनेट करूँ जी, वो एक खुशी महसूस करता है भाई मैं आज यार कैसे एक मतलब परमार्थ करूं, सेवा करूं, वो ब्लड डोनेट करके अपना गुरु जी का जन्मदिन मनाते हैं जी। आप गुरु कृपा से एक मुझे सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको भी लगातार देखा है कि आप ऑर्गेनाइजर हैं ब्लड कैंप्स के, बहुत पुराने समय से आप लोग ये आयोजन करते आ रहे हैं, तो जो ये कृपा कैसे हुई रक्तदान के क्षेत्र में? डेरा सच्चा सौदा तो वर्ल्ड के नक्शे पर है और किसी नाम का मोहताज नहीं है, ये कृपा कैसे हुई? दूसरा, अब तक कितना रक्त जो है एकत्र हो चुका है, कोई आइडिया इस बारे में? सर ऐसा है, इसका आइडिया तो कोई नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल का लगभग 5-6 लाख यूनिट हो चुका होगा अब तक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैंप लगे, जो स्टार्टिंग में कैंप लगे तब कोई इतना मतलब आईटी विंग भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं थे, सिंपली काम चलता था, और जब से मैं देख रहा हूँ, मैं लगभग यहाँ 2000 से मेरी ड्यूटी है, तब सारा मैनुअल काम था, वो मैनुअल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड तो इसके बीच बीच में चले गए, जैसे 43,000 का लगा है, 17,000 का लगा है, बहुत बड़े बड़े कैंप लगे और कैंप लगते रहते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी 6-7 लाख यूनिट से क्रॉस कर चुका होगा यहाँ पर ही आश्रम में। जो ब्लॉकों में संगत लगाती है उसका रिकॉर्ड ही है नहीं अपने पास कि कितना, क्योंकि क्या है कि कोई मरीज एक्सीडेंट हो गया, PGI में चला गया जी, तुरंत अपने सेवादार पहुंचते हैं, उन चीज़ों का रिकॉर्ड है नहीं, ये तो एक मुहिम है, रिकॉर्ड की बात नहीं। ये मुहिम के पीछे कौन है? इतने बड़े जो स्तर पे लोगों को जागरूक करना, आज की दुनिया में तो कोई किसी को रिश्तेदार को नहीं उस हिसाब से देखता, लेकिन यहाँ तो अनजान लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए रक्तदान कर। देखिए जो संत महात्मा है, संत महात्माओं की सारी दुनिया बच्चे होते हैं, जो हमने वचन सुने हैं और है भी वास्तविक ये, उनके लिए सारी दुनिया के बच्चे हैं। फकीर कभी ये नहीं सोचता मतलब मेरे बच्चे दुखी नहीं, उन्होंने प्रेरणा करी है, प्रेरणा देके लोगों में उत्साह भरा है भाई बेटा ये ब्लड डोनेट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोगों में ऐसी जागृति आई है कि आज डेरी सच्चे सौदे का बच्चा बच्चा, चाहे वो छोटा बच्चा भी और बुजुर्ग भी, अब आप देख रहे होंगे यहाँ 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, अभी भाई जी मेरा जरूर बढ़ रहा, मेरे पास 100 सिफारिश आती है,
हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि बापू जी आपकी उम्र क्रॉस हो चुकी है। वो कहता मेरे पास ब्लड है, ये सब उनकी प्रेरणा के द्वारा, उनके आशीर्वाद से, ये काम किसी आदमी का नहीं है, ये गुरु जी का काम है। उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई, चाहे किडनी डोनेट है, ब्लड डोनेट है, प्लांटेशन है, वेश्याओं की शादी कराना है, कितने काम, 134-135 मानव बल काम किए। ये कोई आदमी थोड़ी कर सकता है, आदमी तो गिनती नहीं कर सकता भी कितने काम है जी, लेकिन वो फकीर कर सकता है, गुरु कर सकता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है, जो यहाँ ब्लड डोनेटर जो पहुँचे हैं, डोनर्स पहुँचे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम है, रिफ्रेशमेंट का, मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या? उनके लिए सर एमरजेंसी है, पहली बात तो किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं, एमरजेंसी में सारी फैसिलिटी है, दवाइयाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, पीछे खाने का प्रबंध है, गर्म पानी है, रिफ्रेशमेंट केला है, दूध है, प्रसाद है, हर चीज़ की व्यवस्था की हुई है। जैसे ही कैंप की शुरुआत हुई, सबसे पहले जो है रक्तदाता, महिलाओं में जो सबसे पहली रक्तदाता हैं वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, फिलहाल वो रक्तदान कर रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहन जी कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? भैया हम सिरसा से हैं। क्या नाम है आप? अनीता। तो आप पहले इस रक्तदान शिविर के रक्तदाता हैं, महिलाओं की ओर से जो रक्तदान कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं फिलहाल? आप अभी रक्तदान आपका जारी है? बहुत खुशी महसूस हो रही है भाई सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत बार दे चुकी हूँ ब्लड, 35 बार शायद ये दे रही हूँ इस बार। यहाँ पे गुरुजी के अपने ही अंदर से ही हमें विश्वास सा उठ जाता है। आप मानेंगे मैंने कभी रक्तदान नहीं किया था, मैंने जब एक बार किया और मुझे इतना उत्साह रहा, हम मैं 5वीं बार रक्तदान कर रही हूँ। मुझे पहले बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब पता नहीं अंदर से पिताजी ने ऐसा ही शक्ति दिया, अंदर से मैं 5वीं बार रक्तदान कर रही हूँ यहाँ पे आके। जी हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा रक्त किसी के काम आएगा, क्योंकि ये रक्त शायद किसी आर्मी मैन या किसी गरीब किसी भी के काम आता है, तो बहुत अच्छा फील होता है हमें। भाई जी बहुत वधिया लग रहा है, ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की रहमत है भाई, जिन्हों की शिक्षा से असं चलते हुए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। नहीं अजकल थोड़ा पता ही है भाई जी, तो बाकी सतगुर की एड्डी रहमत है कि हर एक नशे तो हरेक चीज़ तो दूर आवे जी, वह सतगुर की रहमत है जी। बहुत ही पाक पवित्र अवतार दिन है जी अज, साध सतनाम जी का वेरी वेरी फीलिंग। हाँ जी मैं करनाल से हूँ जी, सुरजीत कुमार इंसान, मैं पहले 36 बार दे चुका हूँ, 37वां बार ये है जी। पहले मैं हमेशा बीमार रहता था, जब से मैंने ब्लड देना शुरू कर दिया आज तक बुखार नहीं आया, 10 साल हो गए जी। मैं मेरे को पहले नस ब्लॉकेज की परेशानी थी, उस दिन से मैं ब्लड दे रहा हूँ ना, मेरे को बिल्कुल ये परेशानी भी खत्म है। बेहद ज़्यादा खुशी है जी ब्लड देते हैं, पिताजी ने यही सिखाया है, बहुत ही अच्छा सिखाया है। मानवता भलाई का जो जज्बा है साध संगत में ऐसा भरा है पिताजी ने, कूट कूट के भरा है जी। तो हम पिताजी के लख लख बार करोड़ों बार ऋणी हैं जी, कि हम अगर अपने उनके रास्ते पर चलते जाए तो वो भी समय कम है जी जिंदगी के। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, पहले मैं बीमार रहता था लेकिन उसके बाद में बीमारी वगैरह ख़त्म हो गई, और बीपी का या ऐसा पिताजी ने जो वचन किए, बेटा जो ब्लड डोनेट करेगा ना उसके बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और मुझे ना पहले कैंसर था, और पिताजी ने मुझे जब नाम दिया तो उसके बाद मेरा कैंसर यहाँ से यहीं से ख़त्म हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि नहीं बचेगा, ठीक है जी। उसके बाद मेरा ऐसा जज्बा मालिक ने ऐसा अंदर से भरा कि बस सेवा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, और खून दान करने के लिए तो कभी भी कोई बात आए तो तैयार हैं।